नीतीश और खड़गे के बीच मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तीन सवाल पूछे जा रहे हैं। गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कब होगा? गठबंधन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सीटों का बंटवारा कैसे, किस फॉर्मूले के तहत तय होगा? देखिए क्या हो सकता है, आइए फॉर्मूला। 40 दिन के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। मुद्दा था 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले मोर्चे का स्ट्रक्चर यानी स्वरूप। खड़गे और राहुल के साथ नीतीश कुमार ने करीब एक घंटे से अधिक समय तक बात की। तीनों नेताओं की मीटिंग के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे और इसकी बैठक कब होगी, यह एक दो दिन में सबको बता दिया जाएगा। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए नीतीश कुमार पिछले 10 महीने से पूरे देश में सक्रिय है और कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कब होगी? तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि जून के दूसरे हफ्ते में पटना में बड़ी बैठक हो सकती है। बिहारी मोर्चे का धुरी क्यों बन रहा है? साल 2015 में नीतीश कुमार ने बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर महागठबंधन तैयार किया था। साल 2022 में भी बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार 7 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने में कामयाब हुए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संभावित मोर्चे में नीतीश कुमार का रोल क्या होगा। इसका जवाब भी हालिया गतिविधि और बयानों में छिपा है। नीतीश कुमार अब तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, तृणमूल, सपा, एआईयूडीएफ, आप, इनेलो और सीपीएम के प्रमुखों से मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।